हेलो एंड वेलकम पीपल बैक टू चैनल। तो आज है ये डेली व्लॉग, और ये किस बारे में है? ये इस बारे में है कि हम लोग सेकंड हैंड गाड़ी या बाइक कैसे परचेज करें, क्योंकि मैं भी बिगनर हूँ। तो अभी मेरे साथ एक एक्सपीरियंस हो चुका है, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ है, तो उस हिसाब से आप भी समझ सकते हैं। और ये इंसान बहुत ज़्यादा तेज जा रहा है, हाँ खाली रोड है और लॉकडाउन 4.0 चल रहा है। तो अब आते हैं अपने मुद्दे पे, तेल भी कम है, कि हम लोग गाड़ी या बाइक अगर ले रहे हैं तो उसको कैसे परचेज करें। क्योंकि मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ कि मैंने अपने फ्रेंड पे भरोसा करके एक गाड़ी खरीद ली, मारुति 1995 मॉडल, बहुत पुरानी थी। मुझे वैसे कार्स वगैरह का रेट पता नहीं था, और मैंने अपने दोस्त पर भरोसा करके वो ख़रीद ली। हुआ ये कि वो गाड़ी 40,000 रुपीज़ की तो बिल्कुल नहीं है, पहली बात। अब वो मुझे समय के साथ पता लग गया हुआ है। और मैंने जो सबसे बड़ी गलती की कि मैंने भरोसा करके अपने फ्रेंड पे उसको चेक नहीं किया अच्छे से। मैंने सिर्फ चलाई थी, चलाने में ठीक थी, इतनी बुरी नहीं थी, और मैंने उसको चेक नहीं किया, जो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। और जो अंकल हैं उन्होंने तो गाड़ी के काफ़ी अच्छा कुछ सुनाया था कि चलाए जाओ, और मैं आपको अंकल के डायलॉग रिपीट करके बताता हूँ जैसे जैसे अंकल ने बोला था मुझे। अंकल ने बोला था इस गाड़ी को कुछ नहीं होगा, उन्होंने अपनी जैसे डोगरी भाषा में बोला था कि मतलब गड्डी चलाई जाओ तो तेल पाई जाओ, ठीक है, मतलब गाड़ी में कुछ नहीं करवाने की ज़रूरत है, आप तेल डालो और गाड़ी चलाते रहो, गाड़ी को कुछ नहीं होगा, गाड़ी बिल्कुल फिट एंड फाइन है। तो और जैसा कि मैं हूँ, जैसी मुझे आदत है, तो अगर मैं कोई चीज़ लेता हूँ तो मुझे भरोसा होना चाहिए कि इसका सामान सारा प्रॉपर हो चुका है। तो उस चक्कर में मैंने जैसे ही वो 40,000 रुपीज़ में 1995 मॉडल ख़रीदा, बहुत की बहुत ज़्यादा महंगा था मेरे हिसाब से भी, क्योंकि मुझे गाड़ी का रेट नहीं पता था। मैं सोचा था दो टायर वाली चीज़ें भी 20-25 हज़ार की मिलती हैं, तो 40,000 की तो बहुत अच्छी चीज़ है, चार टायर मिल रहे हैं, पर ऐसा नहीं हुआ। वो आइडिया मेरा बुरा था, जो मुझे पता लग ही चुका है, क्योंकि अभी जो मैं जा रहा हूँ वो मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि जो मेरी बैटरी है वो चार्ज नहीं कर रही है, शायद ऑल्टरनेटर उसको चार्ज नहीं कर रहा है, जिस वजह से वो आस्ते आस्ते बैटरी डेड होके ड्रेन होके बंद हो जाती है, तो वो हो गई बंद। तो मैं आपको बताता हूँ थोड़ी स्पेसिफिकेशन अपनी गाड़ी की। मेरी गाड़ी में लगभग सब कुछ ही ख़राब हो ही रहा है, और जब मैं सर्विस सेंटर गया था तो अंकल ने तो कहा था कि कोई प्रॉब्लम नहीं है गाड़ी को, आप जाओ आराम से। मैं आपको बोल सकता हूँ कि आपको कभी किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना, खासकर परचेज के मामले में। जितना मर्जी आपका सही दोस्त हो, जो मर्जी हो, तो जो फ्रेंड थे वो बुरा आलम होकर के वो बोलते हैं हमने भी चलाई थी, हमें ठीक लगी, हमने भी ऐसे ही देखी थी, तो मुझे मेरे तो लगवा दिए, अब मेरे तो लग गए ना, मेरे तो पैसे भी लग गए, अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता। और उसके बाद एक और ख़तरनाक चीज़ कि वो जो लाइफ बढ़ने वाला प्रोसीजर हो रहा था वो चलो उसका था, पर जो उसकी टैक्स था वो भरा नहीं हुआ था, तो उसकी भी नॉलेज नहीं थी, तो वो भी गलती कर दी, दिखाया नहीं किसी को, खुद ले ली कि फ्रेंड को बताया सब कुछ, तो उनकी मान के मैंने ले ली, तो वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। तो मेरे साथ तो हो चुका है, अगर आप नई गाड़ी परचेज कर रहे हो, सेकंड हैंड ले रहे हो, सेकंड हैंड लेना बेस्ट चीज़ है, अगर आपको पता है तो मैं कहता हूँ सबसे सही डील है सेकंड हैंड लेना, क्योंकि नई गाड़ी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, नई गाड़ी में आपको कागज़ वगैरह काफ़ी महंगा पड़ता है मेरे हिसाब से। तो सेकंड हैंड आपको कागज़ वगैरह जितने भी पैसे हैं वो तो उसने पे किए हुए हैं, आपने तो खाली गाड़ी लेनी है और अपने नाम रजिस्टर करानी है, तो इतनी मनी तो नहीं लगती है जितनी नई रजिस्ट्रेशन पर लगती है। और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं जो नई गाड़ी पर, नई गाड़ी के प्रोज भी हैं और कॉन्स भी हैं। तो प्रोज ये है कि आपको चलो कम से कम उसकी वारंटी होगी, आपको पता होगा कि नई गाड़ी है, इसको तो कुछ नहीं हो सकता, ये भी है। पर जो नई वाली गाड़ी थी तो मैंने जहाँ मैं सर्विस करवा रहा था तो मैंने उनको ज़बरदस्ती बोला कि मुझे वो करानी है, मुझे इसका कार्बोरेटर खुलवाना है। तो सिंपल था, मारुति का कार्बोरेटर तो सिंपल है, तो मैंने बोला उसको खोलना है। तो जो कार्बोरेटर के वाल्व होते हैं ना, जिसकी वजह से वो एयर या वो हवा जिस हिसाब से वो लेता है,
वो तक जाम हो चुके थे, उसमें सिर्फ एक वैल काम कर रहा था, जिसकी वजह से वो, क्योंकि ये पुराने मॉडल्स की गाड़ी है, ये चल रही थी, ये भगवान की मर्जी से चल रही थी, पर इसको चलना नहीं चाहिए था जिस हिसाब से इसकी हालत थी कार्बोरेटर की। ब्रेक ऑयल पूरा का पूरा, सॉरी ब्रेक ऑयल तो चलो था ही, गियर ऑयल पूरा का पूरा मिट्टी कलर हो चुका था, उसमें सैंड के पार्टिकल्स इतने बड़े बड़े थे, मतलब लग रहा था कोई गारा निकल रहा है बाहर की तरफ। तो ये सब ट्रेजेडियाँ होने के बाद अभी भी हमने उम्मीद रखी है कि ये गाड़ी चलेगी। अब पैसे खर्चे हैं तो क्या कर सकते हैं, और कोई चारा भी नहीं है हमारे पास, तो अभी भी हम उसको चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आपको सिंपली कहूँगा कि ना अपने फ्रेंड्स पे ना किसी और पे कभी भरोसा करो। अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा भरोसेमंद है, तब भी आप जाके, अगर आपको नॉलेज है खुद, मेरे को आप जैसे देख ही रहे होगे, अगर मेरे चैनल पे अगर आपने देखा होगा तो मुझे बाइक वगैरह के बारे में पता है, तो बाइक में जैसे इंजन ऑयल वगैरह, तो उसी से पता लग गया था, गाड़ी का भी हिसाब थोड़ा बहुत तो पता लग ही जाता है। पर मैं भी पूरी तरह धोखा खा गया। तो ये थी हमारी कहानी, तो आई होप कि आप इससे कोई सबक ले सकें। तो कभी भी किसी पे भरोसा करके गाड़ी मत लें, किसी की जबान की ये है वो है, कभी किसी की मत सुने, बिना चेक करवाएं। हाँ ये है कि कोई अगर बहुत ही ज़्यादा रेट नीचे गिरा के दे रहा है तो वो भी रिस्की फैक्टर है, उसमें भी आपको चेक कराना ज़रूरी है। मेरे साथ तो ये हुआ हुआ है, तो मैं तो चाहूँगा आपके साथ नहीं हो। अगर आप कुछ भी नया सेकेंड हैंड लेने जा रहे हैं, सबसे पहले रोड टैक्स और RC किसके नाम पे है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये बाद में बहुत बड़ा इशू बनता है। तो आज का जो मेरी वीडियो का टॉपिक था वो तो मैंने आपको बता दिया। और आज मौसम बहुत सुहाना है, गर्मी जम्मू में काफ़ी है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है बीच बीच में, पर अभी मौसम ठीक हुआ है। वैसे मैं ज़्यादातर जब बाहर निकल, मैं बाहर निकलता नहीं हूँ, जब मैं बाहर निकलता हूँ तो ज़्यादातर मौसम अच्छा हो जाता है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, नेचर हम पे मेहरबान है, क्योंकि मैं पवन पुत्र कन्नू हूँ, हनुमान ने रखा मेरा नाम। तो आई होप कि मैंने बैटरी चार्जिंग पे दी हुई थी कि मेरी बैटरी स्टार्ट हो जाए बस। तो अभी अपने फ्रेंड से मैं बैटरी ले लेता हूँ, फिर जाके देखते हैं। 10 भैया बैटरी दारी है, कुदरा ले लें। टूट टूट वाला बंदा नहीं पूछा थोड़ा है, ये वाला बंदा है नहीं लेना, उन्हें भी लगा। हाँ जी अंकल जी, अगले एक मिनट रखे हो यार, इधर बैटरी कुदरा वो यदि चार्ज कर चे फिर गड्डी स्टार्ट हो जाग नहीं है। अद्धे घंटे भैया फुल चार्ज हुई थी नहीं, यार ये भी स्यापा। तो बैक ऑन ट्रैक, बैटरी ले लिया फ्रेंड्स ने, तो अब हम जाते हैं अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारी गाड़ी स्टार्ट होती है या नहीं। एक बार बैटरी पहले भी चार्ज की थी, आज फिर से कर रहे हैं, फिर से देखते हैं क्या बनता है। अंकल ने तो कह दिया कि आधी सेल्फ में स्टार्ट हो जाएगी, चलो देखते हैं कि आधे सेल्फ में होती है या नहीं।
तो मैंने आपको पूरी नॉलेज दे दी है, मतलब बेसिक वाली पूरी नॉलेज दे दी है कि कैसे आप सेकंड हैंड बाइक या कार लेंगे। मेन चीज़ तो गाड़ी की हालत भी चलो सुधार सकता है, मेन चीज़ है ऑनर कौन है वो आपको पता होना चाहिए, और किसी भी एजेंट वगैरह के उस पर मत आना बातों में। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसकी गाड़ी है या किसकी बाइक है, उसके बाद उसके कागज़ मतलब उसके पेड होने चाहिए, सारी चीज़ें टैक्स वगैरह भरा हुआ होना चाहिए, क्योंकि बड़ी बार नहीं भर होता है तो उस चक्कर में आपको ही फटका लगेगा, तो अच्छी बात तो नहीं है ये। बड़े दिनों के बाद बातें कर रहे हैं आप लोगों से, तो आधी चीज़ें तो भूल ही जाती हैं। ये एक छोटी सी गली बड़ी काम की है, ये बहुत ज़्यादा रास्ता बचा देती है। दीदी मार गई थी, ये लड़कियां न जाने क्यों स्कूटी ऐसे क्यों चलाती हैं। टेने ने 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 ने। पांच बजे गलियों वाले भी बंद कर रहे हैं। ओ गाय ने मारा अपनी पूंछ से चांटा, तो मुझे ज़रूर बताना कि जैसे जो मैं ये डेली डेली व्लॉग्स बनाता हूँ, जैसे मैं अभी जा रहा हूँ गाड़ी के लिए अपनी, तो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप बताना कि ऐसे भी मैं बहुत बार निकलता हूँ तो मैं बहुत बार कैमरा नहीं लगाता हूँ, मैं क्या पता आप लोग देखें नहीं, इस वजह से मैं नहीं डालता। अगर आप लोगों को ये ठीक लगता है और अच्छा लगता है, सॉरी ठीक क्या अच्छा लगता है, तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताना। तो अभी हम बस अपनी गाड़ी के पास पहुँचने वाले हैं, तो उसके बाद हम उसको करते हैं स्टार्ट। आई होप कि एक एक सेल्फ में स्टार्ट हो जाए, अंकल ने रुका आधा सेल्फ, मैं कहता हूँ एक में भी स्टार्ट हो जाए बहुत बड़ी बात है। माई सुपर कार तेने, तेने, तो आपको मिलते हैं बस कुछ ही देर में, क्योंकि अब घर जाएंगे, थोड़ी सी बातें वगैरह करेंगे फिर वापस आएंगे। तो ये रही मेरी वंडरफुल कार, तो इसी के बारे में मैं तारीफें कर रहा था इसकी, अब इसको बैटरी लगाते हैं, चलो लेट्स गो।